नमस्कार किसान भाइयों, किसान खबर चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 12 जून 2023 हो चुका है और जयपुर मुहाना मंडी में प्याज की क्या पोजीशन देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बत्रा फार्म से जो नासिक वाला प्याज आ रहा है उसकी क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, कितनी आवक नज़र आ रही है। तो ये नासिक वाला प्याज है और नासिक वाले प्याज की पोजीशन वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार जी सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया सर। तो आज 12 जून हो चुकी है जी, और प्याज में जो नासिक वाला प्याज है इसमें क्या पोजीशन देखने को मिल रही है? जी पोजीशन देखो, जो ये छिलका पत्ती उतरे हुए कमजोर माल आ रहे हैं ये तो यही 10-11 बिक रहे हैं। अच्छा, कोई सुपर माल आ जाए, माशा गोरी माल आ जाए तो उसकी पोजीशन 12 रुपए से लेके 14-15 तक है। हाँ, लास्ट 14-15 टॉप क्लास। तो नीचे में 10 रुपए, ऊपर में 15 रुपए प्याज की, महाराष्ट्र के माल की ये पोजीशन। अच्छा जी, और आवक की बात करें तो आवक कितनी नज़र आ रही है? आवक की वही है, नासिक के महाराष्ट्र के माल 10-12 गाड़ी है, मथानिया 30-40 गाड़ी है और बाकी लोकल जो पीली पत्ती है। अच्छा जी, तो सर ये वाला जो प्याज है ये वही 10-11। प्याज की साइज तो अच्छी है, फुल गोला साइज माल है, छिलका पत्ती कमज़ोर है और कार्बन भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये वाला सर ये भी यही बिक रहा है, 10 रुपए से 12 रुपए कहीं भी ग्राहक लगता है। और जो हल्का वाला कौन सा है? हल्का चोपड़ा आया नहीं है बाकी। अच्छा, चोपड़ा क्या भाव? चोपड़ा यही बिक रहा है 6-7। ये वाला सर ये 11 रुपए बेचा है। अच्छा, 11 रुपए। तो सर हाँ 12 रुपए किलो भाई साहब ये ले लो आप। तो सर क्या पोजीशन अब बनेगी थोड़ा आने वाले समय में? अभी आने वाले समय में देखो भाऊ जी, जब तक ये हल्के माल आ रहे हैं ना मार्केट में, जितने भी हल्के माल आ रहे हैं, ये हल्के माल जिस दिन थोड़े कम होंगे ना तो बाजार में सुधार आएगा। हो सकता है ये जून का महीना ऐसे ही निकल जाए, जुलाई से सही हो जाए। तो अभी जो हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं, हल्का माल अभी मार्केट में कितना है? अभी ज़्यादातर जितना भी महाराष्ट्र का माल आ रहा है ना, जैसे 10 गाड़ी आई तो 10 गाड़ी में आप ये समझो 1 गाड़ी का माल ही अच्छा है। अच्छा, 2 गाड़ी सब सिंगल पत्ती हल्के या चोपड़े आ रहे हैं। ये पोजीशन है। अच्छे माल बहुत कम आ रहे हैं, इसी वजह से मार्केट भी नहीं उठ रहा है। मार्केट इसलिए नहीं उठ रहा है, हल्के माल है, हल्के माल ग्राहक पसंद नहीं करता है, बिकते हैं तो इसी रेंज में बिकते हैं, सुपर कोई वीआईपी आता नहीं। यही रेट लगभग उधर बिक रहा है, वो महाराष्ट्र में स्टॉक वगैरह महंगा ले लेते हैं तो यहाँ कैसे पड़ता खाएगा, उनका बेचारों को पड़ता नहीं। चलो भाई, जो रेट यहाँ अच्छा माल बिकता है वो रेट वहीं बिक जाता है, वो स्टॉक वाले ले रहे हैं नहीं। और वो अपना बांग्लादेश में भी, अब बांग्लादेश भी जा रहा है, स्टॉक वाले भी ले रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत सरकार वाले नेफेड वाले भी ले रहे हैं। बांग्लादेश में भी ये हल्की क्वालिटी का ही जा रहा है क्योंकि वहाँ से ज्यादा मीडियम गुलटा गुलटी ज्यादा जाता है। हाँ, तो उसमें भी उधर मोटा कम जाता है, मीडियम माल ज्यादा जाता है, तो उसमें भी प्याज की कंडीशन अच्छी नहीं बता रहे हैं, वो भी वापिस गाड़ी आ, उसके बाद जैसी जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद वापिस गाड़ी आ रही है कुछ। हाँ, तो वो रिपोर्ट जैसे जैसे आएगी ना, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, माल वहाँ पहुंचेगा उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है। और जो तो प्रॉब्लम माल के ऊपर आ रही है, माल की क्वालिटी जो है ना वो क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, धन्यवाद जी सर। ठीक सर।